हेलो एंड व्हाट्सअप यूट्यूब, मेरा नाम है आर्य एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे विच इज़ साइबर आर्चिट। तो आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ OBS स्टूडियो इंस्टॉल मेरे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में। मैं दो तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप OBS स्टूडियो आपके लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ कर सकते हो, भले आपका कौन से भी इसमें फ्लेवर हो लिनक्स में। फॉर एग्जांपल उबंटू, आर्च लिनक्स और मेरे जैसे डेबियन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है और सर्च बॉक्स में जस्ट हमें OBS स्टूडियो लिख देना है। तो ये वेबसाइट एक्टिवेट हो चुकी है। आपका ब्राउज़र ये वेबसाइट को दर्शाएगा कि आपका वर्जन कौन सा है एंड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो जस्ट आप डाउनलोड OBS स्टूडियो के उसमें चले जाना है। तो इसने डिटेक्ट कर लिया है कि मैं एक लिनक्स यूज़र हूँ। ओके, तो पहला तरीका तो ये है कि आपको जो स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे ये तीन कमांड मिल जाएंगी जो आपको टर्मिनल में पेस्ट करनी है। ठीक है, सो मैं शुरू करता हूँ। इन्हें एक साथ ही मैं कॉपी कर लूँगा और जस्ट टर्मिनल खोल के मैं इसे पेस्ट कर लूँगा। आप सबसे पहले sudo apt अपडेट करके सारे आपके पैकेट्स अप टू डेट कर सकते हो, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। वरना आप इसमें आपको मैं दिखाऊँ, इसमें ऑलरेडी sudo apt अपडेट करके दिखाया गया है। तो कोई बात नहीं, आप ऐसे उसे तीन कमांड को कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, किसी किसी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस में, फॉर एग्जांपल whoever इज़ रनिंग डेबियन, उसमें ये तीन कमांड नहीं चलने वाले हैं। ये उन पे ही चलेगा विच इज़ मैनुअली यूजिंग उबंटू और आर्च लिनक्स, क्योंकि आप दिखाऊँगा मैं आपको। तो यहाँ पर दिखा है उबंटू इंस्ट्रक्शंस करके एंड द वर्जन इज़ 20.0.4 प्लस के। ओके, सो देखते हैं इफ़ मेरे पे चलता है या नहीं, या फिर मैं आपको दूसरे तरीके से लेके जाऊँगा। मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है और जिस मैं एंटर करने वाला हूँ। तो ये शुरू हो चुका है। पहली बात तो आप यहाँ पे देखोगे कि sudo apt repository करके इसने जो पहला कमांड है वो नेग्लेक्ट कर दिया है। दिस इज़ अ एरर शोइंग इन माई टर्मिनल। तो देखते हैं, जस्ट ये apt अपडेट का शुरू हो चुका है सेकेंड कमांड। जब तक ये अपडेट होता है, ये कमांड रन होता है, मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अपने टर्मिनल स्क्रीन पे बताऊँगा। यहाँ तक इसने अपना पैकेट अप टू डेट कर लिया है, बट जब हमारा थर्ड जो कमांड है sudo apt install ffmpeg OBS स्टूडियो, ये कमांड रन नहीं हुआ है और ये बता रहा है अनेबल टू करेक्ट प्रॉब्लम्स यू हैव हेल्प ब्रोकन पैकेजेस। सो ये ब्रोकन पैकेजेस को फिक्स करने के लिए एक अलग तरीका है जो मेरे लिए तो वर्क नहीं किया था। सो आई फेल्ट आप पे भी शायद तक वो वर्क नहीं करेगा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो अगर आपका इधर तक OBS स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू दोस्तों कि आपने अब OBS स्टूडियो इंस्टॉल करा के रन करवा सकते हो। ओके, सो जब जिनका यहाँ तक नहीं हुआ है वो बढ़िया हमारे सेकंड प्रोसेस पे। सेकंड प्रोसेस भी बहुत इजी होने वाला है। जस्ट दो कमांड हमें वापस रन कराने वाले आपके टर्मिनल पे और OBS स्टूडियो रन कर जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं खुद OBS स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ। मैंने भी ये सेकेंड प्रोसेस यूज़ किया था विच इज़ FlatHub करके, ये वाला। सो वापस आपको वेबसाइट पे आ जाना है वो, और यहाँ पे जस्ट आपको टैप द लिंक करना है विच इज़ ऑन FlatHub। और गलती यहाँ मत कीजिएगा, यहाँ पे आप इंस्टॉल बटन क्लिक कर लोगे और एक अलग फ़ाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और एक्चुअली वो प्रोसेस ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो हम इसे मैनुअली करेंगे। ओके, सो यहाँ जो डॉट है, एरो बटन दिखा रहा है, उसे हमें टैप कर लेना है। यहाँ पर देखो दो कमांड्स आपके स्क्रीन पे दिख रही होंगी। पहला तो ये है कि मैनुअली इंस्टॉल, इसमें इंस्टॉल कराता है ये वाला कमांड। ओके, और जो सेकंड वाला है वो आपको रन करवाने वाला है। ओके, सो मैं आपको फर्स्ट कमांड ही इंस्टॉल करवा के दिखाता हूँ कि हाउ इट वर्क्स। कुछ नहीं करना, जाके हम लोग ने वहाँ पे कॉपी किया है, यहाँ से राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट कर दिया एंड आई एम जस्ट एंटरिंग। ये लुकिंग फॉर मैचेस करेगा और धीरे धीरे प्रोसेस के साथ ये आपका OBS स्टूडियो इसमें डाउनलोड करवा देगा। ओके, सो मेरे में ये ऑलरेडी रनिंग है, आप देख सकते हो। स्किपिंग इसने प्रोसेस किया है बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। सो आपको कुछ नहीं करना, वापस इस वेबसाइट पे जाना है। इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ जाके आपको पेस्ट कर देना है इसके टर्मिनल में। तो आपका जो भी OBS Studio है वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके डिवाइस में। आप उसे देख सकते हो शो ऐप्स में जाके, मैं दिखा देता हूँ। ऐसे करके ये आपके OBS Studio इंस्टॉल करवा देगा आपके लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में। बट इनकेस कैसा हो सकता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि मैं जैसे हुआ था, मैं क्या कर रहा था बार बार यहाँ से ना रन करने के लिए ये कॉपी करता था और पेस्ट कर देता था ये सारी टर्मिनल में। तो इट वाज अ वेरी रॉन्ग प्रोसेस। मैंने क्या किया था, इंस्टॉल कराने के बाद मैंने रीस्टार्ट नहीं किया था अपना पीसी। तो मेरी एक मस्ट रिकमेंडेशन है कि आप जाके प्लीज़ अपने पीसी को इंस्टॉल करवाने के बाद रिबूट कर दीजिएगा और जाके चेक कर दीजिएगा। इस प्रोसेस में ज़्यादा तो टाइम नहीं लगता और आपका जो भी OBS स्टूडियो और जो भी इन फ्यूचर एप्लीकेशन आप FlatHub पे इंस्टॉल कराओगे, आप रिबूट करके कीजिएगा और आपका जो भी एप्लीकेशन है आपके शो ऐप्स पे दिख जाएगा। सो दिस इज़ इट, आज का वीडियो इसी पे था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। इफ़ पसंद आया तो लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ऐसे वीडियोस देखने के लिए। सो गुड बाय, मिलते हैं जल्दी। हैप्पी हैकिंग।